जी ये लेटर नंबर है 7, बुक का पेज नंबर है 550। तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर बर्थडे, या आपने उनकी बर्थडे पार्टी पर जो है आपने उसको विश करना है, उसको मुबारकबाद देनी है। तो इसका फॉर्मेट भी वही होगा जो बाकी लेटर्स का फॉर्मेट है, कि सबसे पहले आपने एग्जामिनेशन हॉल कॉमा सिटी, सिटी के बाद आपने ना कोई कॉमा डालना है ना कोई कोलन डालना है, आपने सिर्फ सिंपल ए डॉट बी डॉट सी डॉट लिखना है। फिर उसके बाद है डेट, डेट में आपने हमेशा पहले मंथ लिखना होता है, उसके बाद डेट डाल के फिर उसके बाद कॉमा डाल के फिर ईयर मेंशन करना है, जिस तरह मई 12, 2020 और फिर फुल स्टॉप। और फिर है माई डियर अली, चूँकि ये आप अपने फ्रेंड अली को राइट डाउन कर रहे हैं लेटर, इस वजह से माई डियर अली अस्सलाम वालेकुम, आई एम अस्सलाम वालेकुम के बाद आपने एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है, यानी सीधा 1 और उसके नीचे एक डॉट। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस हुआ दैट आई कॉन्ट पार्टिसिपेट इन योर बर्थडे सेरेमनी, कि मैं आपकी बर्थडे सेरेमनी में शिरकत नहीं कर सका, यानी बर्थडे की जो पार्टी है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सका, बिकॉज ऑफ माई पार्टिसिपेशन फॉर द सेंड अप एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड टुमारो, क्योंकि मेरे जो है पेपर वो हो रहे थे और मैं उनकी तैयारी कर रहा था, क्योंकि कल मेरा पेपर था। एनी हाउ आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर बर्थडे, बहर हाल मैं आपको आपकी बर्थडे पर विश करता हूँ या मुबारकबाद देता हूँ। आई हैव बॉट अ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू, मैंने आपके लिए एक बहुत बेहतरीन तोहफा ख़रीदा है। आई वॉज गोइंग टू सेंड इट टू यू बाई पोस्ट, मैं इसको बाई पोस्ट इन्हीं डाकिए के ज़रिए या किसी भी तरह से आप तक पहुँचाऊँगा, बट माई फादर टोल्ड मी, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे बताया है दैट यू आर कमिंग टू सी अस ऑन 15th इंस्टेंट, कि ये जो अनकरीब आने वाला 15 तारीख को अनकरीब आने वाली 15 तारीख को आप हमारे घर मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। सो आई डिसाइडेड टू गिव इट टू यू पर्सनली, इस वजह से मैंने ये फैसला किया है कि ये मैं आपको खुद बजाते खुद दे दूँगा। सलाम टू ऑल एट होम, आप सबके घर वालों को मेरा सलाम विद बेस्ट विशेज, बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात के साथ। योर्स अफेक्शनेटली कॉमा और फिर x.y.z.